प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ, मैं हूँ जलेबी, स्वादिष्ट जलेबी, मिठास से भरपूर जलेबी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मिठास कभी नहीं छोड़ता। जेठालाल, छोड़ता नहीं, छोड़ती। जलेबी स्त्रीलिंग है ना, इसलिए छोड़ती। अरे अब मेहता साहब, छोटी छोटी जलेबी मिठास छोड़ती है, मैं एक बड़ा जलेबा हूँ। तो जलेबा छोड़ता है। सही बात है। अब देखिए, प्लीज व्याकरण पे मत जाइए, बात की गहराई को समझिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे खाने वाले का स्वभाव चाहे कैसा भी हो, तीखा, चिड़चिड़ा, गुस्सेदार, लेकिन मैं अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। मैं हर किसी को मिठास ही बांटता फिरता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी तरह अगर आप लोग भी मिठास बांटोगे तो आपका जीवन भी मिठास से भरपूर बन जाएगा। बस संत जलेबानंद। अंकल, कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसमें से बड़ा पीस दो ना, प्लीज अंकल, प्लीज। कहाँ से तोड़ू? बोला केला खाएला। अरे वो नकली है रे। ये आती भैया क्या है, क्या मचा गया भाई? अरे जेठा भाई, बड़ा पीस नहीं तो छोटा पीस दे दीजिए। क्या हुआ, जलेबी ने मिठास छोड़ दी? अरे भाई, ऐसा फालतू गिरी कोई करेगा तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, जलेबी को भी गुस्सा आ जाएगा। जलेबी नहीं जेठाला, जलेबा। अरे जलेबी, जलेबा छोड़ता है, छोड़ती, सबका गुस्सा आ जाता है। बेटा, अब अभी प्रोग्राम चालू है ना, बेटा इधर, बाद में मैं सबके लिए गर्मा गर्म जलेबी मंगाता हूँ। बैठ जा, तेरे लिए अलग से 1 किलो मंगाऊंगा। बैठ जा, जा अभी, मस्ती नहीं है बेटा, प्लीज। जेठा भाई, मेरे लिए भी 1 किलो। तो दोस्तों, जाते जाते मेहता सबको प्रेरणा स्तोत्र मानकर एक दो लाइन सुनाना चाहता हूँ। जरा तराजू चाहूंगा। अरे जेठालाल, तराजू नहीं, तवज्जो, तवज्जो। हाँ, वो जलेबी के साथ तराजू जाता नहीं, इसलिए तराजू बोला। आप सुनिए ना भाई, आप सुनिए, बात सुनिए। तो पेश करता हूँ। हाँ, इरशाद, इरशाद। वर्षाद, वर्षाद। कहत जेठालाल सुनो भाई लोगो, कहत जेठालाल सुनो भाई लोगो, बात कहूँ मैं खरी, रसगुल्ला है रस भरा, और जलेबी भी रस भरी, रसगुल्ला है रस भरा और जलेबी भी रस भरी। यह रसगुल्ला बीच में किधर से आया? ये ना समझो कि जलेबी गुजरात की और रसगुल्ला बंगाल की मिठाई है, ये ना समझो कि जलेबी गुजरात की और रसगुल्ला बंगाल की मिठाई है। अरे ये तो दो प्रदेशों के बीच प्रेम की सगाई है। और अभी अंत में जरा खास तराजू चाहूंगा। और रसगुल्ला और जलेबी दोनों लाजवाब मिठाई है। हाँ,
रसगुल्ला और जलेबी दोनों लाजवाब मिठाई है। इन्हें खाते ही लोग कहते हैं क्या बात है, 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 क्या बात है। और इन दोनों के सामने इडली डोसा की क्या औकात है। जयटालाल, इडली डोसा की क्या औकात है, मतलब क्या बोलना चाहते हो? सुनो यार, देखो जेठालाल, ये एंजिन टेस्ट चल रहा है, ये हास्य व्यंग है। मैं तो व्यंग में जंग हो जाएंगे को रंग में भंग डाल दो भाई। देखो ये तो मिठाई और नमकीन का कंपैरिजन है, तुलना कर रहा है वो। अब कोई इडली डोसा जरूरी नहीं है, कचौरी कर देते। क्यों कचौरी? कचौरी 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 की क्या औकात है? कचौरी की क्या औकात है? ठीक है ना, यार भाई क्या कर रहे हो भाई? आप पढ़े लिखे साइंटिस्ट होकर ऐसी बातें कर रहे हो? शांति 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 रखो। कचोरी कचोरी हो गया अभी, ठीक है। अब हमारे बीच आ रहे हैं वो व्यक्ति जो गोकुल धाम सोसाइटी के हर छोटे बड़े काम में सबसे आगे रहते हैं। प्लीज वेलकम अब्दुल भाई। अरे पर अब्दुल है कहाँ? मुझे नहीं पता। अरे भाई वो अब्दुल बोल रहा था कि उसकी ना वो स्पेशल आइटम है, तो जरा तैयार होने गया है वो। अच्छा तो सभी के तो टाइम लगा था। इंसानो, तुम लोग अपने पूर्वजों पे क्यों हंसते हो? हैं पहले तुम लोग बंदर ही थे ना। ओए अब्दुल, रागी बात एकदम परफेक्ट है जी, हम सबके पूर्वज पहले बंदर ही तो होते थे। एक मिनट बंदर पर एक सवाल मुझे पूछना है। पूछो। जैसे आप कहते हैं पहले के जो बंदर थे वे इंसान बन गए, हाँ, तो अभी के जो बंदर है वो कभी इंसान बनेंगे? साइंटिस्ट। अच्छा अय्यर भाई को मालूम होगा। हाँ वो साइंटिस्ट है भाई। बोले बोले अय्यर भाई। ये कभी बनेगा मैं बताऊँ आपको कि चार्ल्स डार्विन का क्या है? जाने तो मैं तुमको बाद में बोलेगा। अरे आज का इंसान हम बंदरों से कोई कम है क्या? हैं? अरे बंदर की तो फितरत होती है गुलटी मरने की, लेकिन इंसान कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी गुलटी मार लेता है अपनी बातों से। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बड़े, बहुत अच्छे अब्दुल। अरे मदारी तो पैसों के लिए हमें नचाता है, लेकिन इंसान इंसान तो खुद पैसों के लिए नाचते रहता है। अरे आज का इंसान बंदर ही तो है, हजारों साल में सिर्फ एक ही चीज का फर्क आया है, पूछ का। बिल्कुल सही कहा अब्दुल तूने। अरे आज के इंसान तो बंदर से भी गए गुजरे। अरे आप लोग कहते हैं ना कि बंदर नकल करता है, अरे बंदर क्या है, इंसान भी नकल करते हैं। देखा देखा कैसे आप लोग मेरी नकल कर रहे हैं। अरे नकल करने में तो इंसान अव्वल नंबर है। मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सब लोग
बंदर से इंसान बन जाओ। तो दोस्तों आप हमारे बीच आ रहे हैं गोकुल धाम सोसाइटी के फायर ब्रिगेड, जो पेशे से एक लेखक हैं। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर तारक मेहता। चलिए मैं अपने बारे में कुछ जानकारी देता हूं ताकि आप मुझे पहचान सकें। अब बता रहे, बता रहे। मेरी जन्मभूमि बंगाल, 7 मई 1861 को मेरा जन्म। मैंने कविताएं लिखी, नाटक लिखे, संगीत की रचनाएं, उपन्यास, मेरी कुछ कृतियां मानसिक, सोनार करता। मेरी धर्मपत्नी का नाम था मृणाल, अब भी नहीं पहचान। चलिए एक जानकारी और देते हैं। मेरी एक सुप्रसिद्ध कृति, मेरी कविताओं का संग्रह, जिसका नाम है गीतांजलि। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे साहित्य के क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें आप सब लोग रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं। क्या बात है बबीता जी, वाह खूब पहचाना आपने। मेहता साहब आज भी बहुत खुश हूँ जब रविंद्रनाथ जी बनकर आए हो, वो भी उनके जन्म के 150वें वर्ष में। मैंने उनकी गीतांजलि बहुत बार पढ़ी है। हालो। और हमारा राष्ट्रगान जन गण मन भी उन्होंने तो लिखा है। बिल्कुल बराबर है। शाबाश टप्पू, ये मेरा सौभाग्य और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सब लोगों को मेरे बारे में, साहित्य के बारे में, शांति निकेतन के बारे में इतनी जानकारी। ज्ञान, शिक्षा और कला को बढ़ावा देने के लिए ही मैंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। मेरा यह मानना है कि कला और शिक्षा का विकास खुले वातावरण में होना चाहिए, उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, और यही मूल मंत्र था शांति निकेतन का। सही बात है। देखिए ना, हम लोग भी इस मुक्त वातावरण में कला का कितना आनंद उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा चिकित्सक महोदय, जीवन में कला का बड़ा महत्व है। कला असल में हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है, या यूं कहूं कि सही माने में जीवन के अर्थ हमें तभी पता चलते हैं जब हम कला के समीप आते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि जीवन में आप व्यवसाय को, पढ़ाई को, उन तमाम चीजों को स्थान दें जो जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन कला को भी उचित स्थान दें, फिर देखिए जीवन कितना खूबसूरत होता है। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद आपका भी। देशभक्ति का जज्बा बढ़ाने अब हमारे बीच आ रही है वो सेना जिनके शोरगुल से गोकुलधाम सोसाइटी में खुशियां बनी रहती है। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज टप्पू सेना।
इंडियन नेवी यानी नौसेना। हम भारत के समुद्र सीमा की रक्षा करते हैं। मैं हूँ इंडियन आर्मी, मैं भारत की रक्षा करने वाला सिपाही हूँ। मैं हूँ इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना। हम दुश्मनों के ठिकाने ढूंढकर उन पर आग बरसाते हैं। मैं हूँ ब्लैक कैट कमांडो। ऑपरेशन कितना भी मुश्किल हो, हम लोग कुछ ही समय में दुश्मनों को मात दे सकते हैं। हम जवान हर दिन हर पल भारत माता की रक्षा करते हैं। वाह वाह टप्पू सेठ, वाह क्या बात है। अरे बच्चों में क्या देशभक्ति का जज्बा है। और जब तक ऐसे जवान मेरी रक्षा कर रहे हैं तब तक मुझे किसी भी दुश्मन से खतरा नहीं है। शाबाश सुनो, क्या बात है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। अब बादशाह सत्री काले। ओ सत्री काले जी, सत्री काले। ओ केड़ा पिंड ए जी? तुम्हारा पिंड ते मेरा पिंड मुंबई जी। ओ मुंबई? ओ असली में मुंबई? मुंबई किते? गोरेगांव। ओ गोरेगांव? असली में गोरेगांव? ओ गोरेगांव इज द बेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट। मेरा मतलब है ईस्ट जी, ईस्ट। ओ ईस्ट इज किते यार? पाउडर गली है ना जी, उत्थे। पाउडर गली हो यार से भी, पाउडर गली हो, पाउडर गली किते? गोकुल धाम सोसाइटी हैगी उत्ते। ओए तुसी पाउडर गली च साडे गोकुल धाम में सानू पता ही नहीं होए किते। ए विंग फर्स्ट फ्लोर। ब्रो माल करता है यार तू। ओ मारी सोसाइटी में फर्स्ट फ्लोर में एक सरदार जी रहने आ गए और तूने मुझे खबर भी नहीं की। और मेहमानों का कुछ स्वागत करना होता है कि नहीं? आप अगर करनी होती है कि नहीं? एक मेल सेक्रेटरी साहब माल करते हो। ओ बादशाह ओ सानू भी सेवा का मौका दो, हमारे भी घर आओ। अच्छी तो रोज आते हैंगे। ओ कब? जब तुसी गैराज जाते हो। असी तो आखा दिन तुहाडे घर ही पड़े रहंदे हैं। ओ सरदार जी मैं समझादा हूं, वो क्या है ना तुहाडी वोटी है ना रोशन, वो बड़ी खूबसूरत, बड़ी चंगी, बड़ी सोहनी कुड़ी है जी। वो तो है जी। एक बच्चे की माँ है, लगती नहीं है। थैंक यू जी। वो क्या है ना, मेरा ना उस पे दिल आ गया है। ओए? और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पाजी नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ रोगी तो शादी के बाद मेरे साथ ही रहेगा। पापा मुझे छोटी मत जाओ, पापा पापा प्लीज। ए अच्छा जीपे लगाए हार खाए बोलते हो यहाँ? प्लीज पापा। ओए पुत्र तेरे को तो मैं छाट कर ही जाऊंगा, पहले सरदार जी को तो नहीं पकड़ लो। और मैं इसको छोड़ दूंगा नहीं। छोटी कानून का अपने हाथ में मत लो भाई। मारो पापा मारो। हाँ पुत्र। ए रोशन क्यों कर रहे थे? अपनी रोशन रोशन भाभी, इसे कहते हैं असरदार परफॉर्मेंस। थैंक यू जी, थैंक यू। असरदार, असरदार। दोस्तों आप हमारे साथ मना रहे हैं गणेशोत्सव का मनमोहक, मजेदार, मनोरंजक कार्यक्रम। दोस्तों जब कोई शाही खजाना खुलता है तो उसमें से निकलते हैं हीरे, मोती, माणिक, मोहरे। लेकिन अब बारी है इस खजाने से एक मुकुट के निकलने की। खजाना ये फैंसी ड्रेस शो और हमारे मुकुट हैं हमारे चंपक चाचा। अब देखते हैं वो क्या बनते हैं और उनका विचार क्या है। और साथ में अभी गणेश विसर्जन बाकी है तो हमारे साथ आइए, मनाइए गणेश विसर्जन में हिस्सा लीजिए और कहिए गणपति बप्पा मोरिया पुरचा वर्षी लौकुरिया। मजा आ जाएगा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.